शेरा, जैसा हमने सोचा था, बादशाह अकबर ने हमें द द द दबा दिया, नहीं द द दर दिया, दरबार में जगह दे दी, और अब तुम भी यहां आ गए हो। उनकी सबसे बड़ी द द तलवार, नहीं द द द तस्वीर, ताकत 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 को बीरबल, उसकी सबसे बड़ी ताकत बीरबल को हम पहले यहां से दूर भेज चुके हैं। और शेरा, तुम्हें बीरबल के यहां लौटने से पहले पहले बादशाह अकबर को खत्म करना होगा, और उसके बाद ये महल, ये मुगल सल्तनत सब मेरे कब्जे में होगी। ऐसा ही होगा हुजूर, ऐसा ही होगा, क्योंकि बादशाह अकबर के लिए हम शेरा नहीं, उनके बीरबल हैं, जिन पर उन्हें खुद से भी ज्यादा यकीन है। बादशाह अकबर को मौत के घाट उतारना शेरा के लिए मुश्किल नहीं। ये लीजिए शय और मां। अब बहुत खेल चुके, अब चलते हैं। नहीं 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 बीरबल, अभी तो हम और खेलेंगे। पहली बार आपको इस तरह हराने का मौका मिला है। वैसे आपके दिमाग को हुआ क्या है बीरबल? आप बीरबल ही है ना? क्यों नहीं, मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे सामने वही बीरबल बैठे हैं जिनकी अकल की हम दाद दिया करते थे, जिनकी बुद्धि का लोहा मानते थे हम। छपना खेल है, खेल में हो जाता है कभी कभी, दिमाग के घोड़े दौड़ते नहीं। ओ, ओ, ओ दिमाग है या कोई अड़ियल घोड़ा कि जब मर्जी आए तब जोर से दौड़ गया, जब मर्जी आए तब आराम से चलने लगा। चलिए आपके दिमाग को जरा तरोताजा करने के लिए हम आपको शरबत पिलाते हैं। शरबत कोई है? हम है ना, जापना हम है ना, हम आपके लिए अभी शाही शरबत अपने हाथों से बना कर लाते। बादशाह अकबर, ये आपकी जिंदगी का आखिरी शरबत होगा। शेरा, 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 शेरा। जा अपना, ये लीजिए शाही शरबत। ये नहीं, ये वाला। ये कुछ अलग है। हाँ, इस प्याले में शरबत ज्यादा है। ओहो, फिर तो हम लेंगे, ज्यादा तो हम ही लेंगे। आइए अब एक नई बाजी शुरू करें। जापना पहले शरबत तो पीजिए। हाँ पी रहे हैं, पी रहे हैं। रुकिए, ये रही हमारी चाल। लीजिए अब आपकी बारी। शेरा, शेरा, शेरा। हुबो! 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 मुझे बचाइए, हुबो मुझे बचाइए, हुबो मुझे बचाइए। हम आपको क्यों बचाएं? हम तो उसको इनाम देना चाहेंगे जो आपको मारना चाहता है। कहा गया आज तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुकिए, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वासु ने ऐसा किया क्या है? अब हुजूर छोड़िए ना, आप शतरंज खेलिए ना, शतरंज। तू चल हमारे साथ, चल चल चल। खामोश शेरा। नहीं हुजूर, हमने बादशाह अकबर के शरबत में जहर मिला दिया था, वो पीने ही वाले थे कि ऐन वक्त में सलीम और वासु की बेवकूफी ने उन्हें बचा लिया। कोई बात नहीं, तुमको कौवा पकड़ के लाओ। कौवे का क्या करेंगे हम, कोशिश करो दोबारा। कोशिश कैसे करें, अब जहर ही नहीं बचा है हमारे पास।
कोई और तरीका सोचना होगा। दूसरा तबला लेके, तकिया लेके। तकिया का क्या करेंगे हम, तरीका है तरीका। सुनो, अच्छा तरीका है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और बादशाह अकबर की मौत हो जाएगी। शेरा, शेरा, शेरा। शेरा, शेरा, शेरा। हमने पूरे महल में आपको ढूंढ लिया और आप यहाँ बैठे हैं। तो आपके लिए खड़े हो जाते हैं। वैसे हम यहाँ बैठकर सोच रहे थे कि फतेह खान ने अपनी पूरी की पूरी रियासत बादशाह अकबर के नाम कर दी तो जश्न होना चाहिए। छोड़िए, हमने आपको कहाँ पकड़ा है कि छोड़ दें? ये तो हम कह रहे हैं पकड़िए ना। दूर दूर से बातें क्यों कर रहे हैं आप? देखिए कोई नहीं देख रहा। कोई देख रहा होता तो भी हमें क्या फर्क पड़ता। उर्वशी, जश्न की तैयारी करो। जश्न होगा जिसमें तुम्हारा नृत्य होगा। लेकिन हम उसके लिए बचेंगे तो होगा। छोड़िए, हम जाकर नृत्य की तैयारी करते हैं। जाइए उर्वशी, नृत्य की तैयारी कीजिए क्योंकि ये जश्न बादशाह अकबर का आखिरी जश्न हो। उर्वशी, वाह वाह वाह, आपका नृत्य देखकर तो किसी का भी दिल करेगा कि आपके साथ आकर नृत्य करे। चलिए, बहुत हुआ नृत्य, बहुत हुआ नृत्य, थोड़ा सा शरबत का लुत्फ उठाया जाए। फतेह खान जी, ये हमारी रियासत का खास शरबत है, संतरे और लौकी का शरबत। वाह, मजा आ गया। जांपना, बहुत रात हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। चलिए ठीक है, आप सब लोग निकलिए, लेकिन बीरबल आप कहीं मत जाइएगा, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। जी हुजूर। तक लिया।
देखो हमने अब्बा हुजूर को सारे महल में छान मारा, लेकिन अब्बा हुजूर यहाँ मेहमान खाने में सोए हुए हैं। चल चल के उठाते हैं। हाँ, मजा आएगा। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, ये देखो अब्बा हुजूर उठिए, उठिए अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर शाही खून के शाही बाप हैं आप, और आप ऐसे सो के बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अरे अब्बा हुजूर, सुबह से दोपहर हो गई, अब तो उठिए। आंसू इनकी तो सांसें भी नहीं चल रही। अरे सलीम भाई साहब, सांसों को छोड़िए, उठ क्यों नहीं रहे? हाँ, अरे सलीम भाई साहब, अरे इनकी तो धड़कन भी बंद है। क्या अब्बा हुजूर, कहीं अब्बा हुजूर मर तो नहीं गए? अरे अब्बा हुजूर, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। पिताजी, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, बाबूजान, अब्बा हुजूर के बिना ये दीवारें काश में कितना सूना सूना लग रहा है। अपने आप को बलदेव जी, ये हम सब के लिए बड़ी दुख की घड़ी है। जापना अकबर बहुत प्रिय थे, बहुत प्यारे थे हमारे लिए, पर बलदेव जी, इस सिंहासन को हम हमेशा के लिए खाली नहीं रख सकते, इसलिए जल्द से जल्द हमें नए बादशाह का ऐलान कर देना चाहिए। हाँ बीरबल जी, आप ठीक कह रहे हैं। शहजादे सलीम के बादशाह बनने का ऐलान करना ही होगा। नहीं, हमारे कहने का मतलब है शहजादे सलीम अभी छोटे हैं, बच्चे हैं ये, और वैसे भी इन्हें राजपाट संभालने का कोई अनुभव नहीं। अगर हमारी राय माने तो हमारे हिसाब से फतेह खान को बादशाह बना देना चाहिए। ये अनुभवी भी हैं और अब ये हमारे रियासत का हिस्सा भी है। ये क्या बकवास कर रहे हो बिरबल? बादशाह बनने का हक किसी को है तो सिर्फ जहांपनाह के बेटे शहजादे सलीम का है। बलदेव, अब अगर यहाँ का कोई बादशाह बनेगा तो वो सिर्फ हम हैं। तुम्हारे इस महल को हमारे सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर रखा है। खान, आस्तीन के सांप तुझे छोड़ूंगा नहीं। बलदेव, खबरदार, अगर किसी ने फतेह खान पर तलवार उठाई, तुम्हारी जान भी हम वैसे ही लेंगे जैसे तुम्हारे बादशाह अकबर की जान हमने ली। क्या नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे पता है आप बीरबल जी बूबू की जान नहीं ले सकते। सही कहा तुमने वासु, पहली बार तुमने अपनी बात की। बीरबल कभी अपने बादशाह अकबर की जान नहीं ले सकता। मुझे दो दो बीरबल जी दिखाई दे रहे हैं। शाही खून है हम, लेकिन हमें भी दो दो बीरबल जी दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों को सही दिखाई दे रहा है, दो बीरबल तो यहां हैं, लेकिन एक असली और एक नकली। क्यों शेरा है ना? शेरा, शेरा,
तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो हमने तुम्हारी मौसी की बीमारी का बहाना करके यहाँ से दूर भेज दिया था ताकि हम अपने इरादे में कामयाब हो सके। चाल तो तुमने बहुत अच्छी चली थी लेकिन हम उसमें फंसे नहीं। जब हमने अपनी मौसी का खत देखा तो हमें शक हुआ क्योंकि खत में मौसी ने हमें बेटा बीरबल कहके संबोधित किया था। बेटा बीरबल, हमारी तबीयत बहुत खराब है। और सच बात तो यह है कि हमारी मौसी हमें बेटा बीरबल करके बुलाती ही नहीं, वो तो हमें हमारे बचपन के नाम महेश दास से पुकारती है। तभी हमें पता चला कि कुछ गड़बड़ तो है। कौन है जो हमें महल से दूर भेजना चाहता है? उसके इरादे क्या है ये जानने के लिए हम यही रह गए। और फिर जब हमने दूसरे बीरबल यानी कि शेरा को देखा तो हम समझ गए कि कोई बड़ा षड्यंत्र है। हम चाहते तो तभी के तभी तुम्हारा पर्दाफाश कर सकते थे लेकिन हम ये भी जानते थे कि ये तो केवल एक मौरा है। ये चाल तो किसी और की ही है। हम रुके रहे ताकि जान सके कि ये चाल है किसकी। और आखिर फतेह खान सामने आ ही गया। ए, जानकर कर क्या लिया तुमने? तुम्हारे अकबर को तो हम फिर भी मार चुके हैं। फतेह खान जाकर बाहर देखो, तुम्हारे सारे सिपाही अब हमारे कब्जे में। और जहां तक जहां पना की बात है, जब तक बीरबल जिंदा है जापना का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जापना, जापना, हम जिंदा है। हमें तो लगा कि आप मरे नहीं, बल्कि हमने सिर्फ मरने का नाटक किया था, वो भी बीरबल के कहने पर, ताकि इस फतेह खान की असलियत और इसके इरादे हमारे सामने आ जाएं। ये नहीं हो सकता, इन्हें खुद हमने अपने हाथों से मारा था। शेरा, तुमने जापना के शरबत में बेहोशी की दवाई मिलाई और फिर अकेले ले जाकर उन्हें कमरे में सुलाया, तभी हम तुम्हारे इरादे समझ गए थे, इसलिए हम तुरंत गए और जापना को जगाया। जापना, जापना, ये बूटी जरूर काम करेगी। सरदर्ज, और ये मेहमान खाने में क्या कर रहे हैं? जापना, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आपको बेहोश करके आप पर जानलेवा हमला किया जाएगा। क्या? हाँ जापना, अब हम जैसा कहते हैं आप बस वैसा करते जाइए। सुने, चलते हैं। इसलिए जब तुमने जापना को मारने की कोशिश की तो वो मरे नहीं, बल्कि हमारी योजना के अनुसार सिर्फ मरने का नाटक किया। हाँ, लेकिन कुछ देर और अगर ये वो तकिया हमारे ऊपर लगा कर रखते तो हमारी जान जा भी सकती थी, हम ऊपर जा सकते थे बीरबल। अरे नहीं जापना, हम आपको कुछ नहीं होने देते। वैसे इन्होंने पहले भी एक बार आपको मारने की कोशिश की, मगर ये नहीं जानते कि हमने पहले इनके कमरे की तलाशी ले ली थी और जहर बदल दिया था। पता नहीं इनके पास बेहोशी की दवा कहां से आ गई, क्योंकि जब हमने कमरे की तलाशी ली तब हमें वहां कुछ नहीं मिला। वो बेहोशी की दवाई हो क्या बे, हलवाई ने दी थी? नहीं, हकीम ने दी थी। अरे हमने दी थी। अब तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि फतेह खान का यहाँ आना, अपनी रियासत को हमारे सल्तनत से मिलाना सब एक नाटक था, ताकि वो जापना की जान ले सके और बादशाह बन जाए। तुम दोनों का खेल अब खत्म हुआ। सिपाहियों, ले जाओ इन दोनों को और कैद खाने में डाल दो।
बस। वाह वाह बीरबल, वाह वाह, हमें आप पर नाज है, फक्र है आप पर, इसलिए आज हम सब मिलकर कहेंगे हर मुश्किल का हल बलदेव जी नारे बीरबल नहीं, हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल।